Hello friend, this is Chandrajit Rai and now we are going to study estimation. What is estimation? Estimation क्या होता है? Estimation मतलब कि approximation, मतलब कि लगभग, हिंदी में से लगभग कहते हैं, मतलब उसके आसपास। सपोज करो कि तुम कोई बुक खरीदे हो या नोटबुक खरीदे हो, उसका रेट है, बुक का प्राइस है समझो 46 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेट क्या बताते हैं इसको, 46 कहते हैं, कम से कम जैसे कि 50, लगभग 50 रुपये के करीब है इसका रेट, ये बुक का प्राइस है 50 रुपये के करीब कम से कम। और मान लो कि नोटबुक भी खरीदे हमें, ठीक है, नोटबुक का प्राइस मान लेते हैं हो गया 158, 158 रुपये का नोटबुक हो गया। कितने नोटबुक हैं इसमें, मान लो 2 नोटबुक हैं, 2 नोटबुक का प्राइस इतना हो गया। तो हम इसमें अब टोटल जोड़ेंगे, ये टोटल, इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया इन दोनों का, बुक का और नोटबुक का। तो इसमें ऐड करेंगे हम 6, 8, 14, 4, 5, 10, 0, 1, 0, 204 आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेट कैसे बताएंगे, इसे अप्रोक्सीमेट लेंगे, एस्टीमेट इसका क्या होगा, इसका एस्टीमेट होगा 50, लगभग 50, 46 को लगभग 50 बोलेंगे, इसका लगभग अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इसका 160। तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा, टोटल 160, 50, 210, ये होगा एस्टीमेट वैल्यू, एस्टीमेट। रियल वैल्यू तो ये हुई इन दोनों की, लेकिन एस्टीमेट क्या हुई, एस्टीमेट ये। फ्रेंड्स अब हम ये समझेंगे कि राउंडिंग ऑफ ए नंबर कैसे होता है, मतलब किसी नंबर का राउंड ऑफ कैसे निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेन, नियरेस्ट टेन मतलब नियरेस्ट टेन का जो होगा राउंड ऑफ वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सपोज करिए एक नंबर है 58 है, इसका नियरेस्ट टेन कैसे निकालेंगे, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट है इसका होगा 60। और सपोज करिए यहाँ 54 है, इसका क्या राउंड ऑफ होगा, इसका होगा 50। अब ऐसा क्यों है, इसका रूल है, देखिए रूल समझिए, समझ लीजिए कि एक कोई नंबर है 10, ठीक है, और 15 है। तो 15 पहले देखिए ये वाला नंबर चेक करेंगे, इधर वाला ये वाला नंबर, ये 5 है अगर, ठीक है 5 है और यहाँ 1 है, ठीक है 15 है। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, इसके आगे वाला नंबर, मतलब ये राउंड ऑफ 10 करना है, 10 करना है तो ये 15 से 20 हो जाएगा, ये 10th वाला जो है ये नंबर चेंज होगा, ये 1 होता है यूनिट्स, ये 10th होता है, ये चेंज होगा। अब सपोज करिए यहाँ पर 14 है, ठीक है 14 को राउंड ऑफ 10 करना है, नियरेस्ट टू 10 क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये कौन सा नियरेस्ट पड़ रहा है, मतलब ये देखिए इससे 10 जो है 10 पास है 14 से, ये 20 पास है। देखिए 10 में अगर 4 ऐड करेंगे तब होगा 14, ठीक है, और 14 में 20 में 6 माइनस करेंगे तब होगा 14। तो कौन सा 14 के ज़्यादा पास है, 10 पास है, तो राउंड ऑफ क्या होगा 14 का, 10 होगा। उसी तरह सपोज करिए कि ये नंबर ले लेते हैं 53, इसका राउंड ऑफ क्या होगा, अभी 3 किसके पास है ज़्यादा, 50 के पास है या 60 के, मतलब कि 60 आने में ज़्यादा काउंट करना पड़ेगा कि 50 ऊपर जाएगा। सपोज करिए यहाँ देखिए अंदाज यहाँ पर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 53 नंबर, ठीक है, इसको राउंड ऑफ टू 10 करना है। तो मतलब पास कौन सा है, 50 है कि 60 है, कौन सा पास है, 50 पास है ना, तो 50 ही रहेगा, इसका राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 50। आप सपोज करिए कि ये 55 है, इसका राउंड ऑफ करना है, तो दोनों तो सेम है, यहाँ से भी ये 5 है
5 नंबर पीछे 50, यहाँ देखिए 60, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ गए 60। लेकिन इसका रूल है कि अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो इसके आगे वाला जो नंबर है 5 डिजिट आगे वाला नंबर नियरेस्ट टू 10 करना है तो वो माना जाएगा। मतलब इसका नियरेस्ट टू 10 कौन सा हो गया, 55 का 60 हो गया 60। उसी तरह सेम अगर 45 है इसका नियरेस्ट टू 10 क्या होगा 50, 65 है इसका नियरेस्ट टू 10 70, 75 है इसका नियरेस्ट टू 10 80, ऐसे ही करना है आपको। सपोज करिए कि 3 डिजिट का नंबर 186, इसका नियरेस्ट टू 10, इसका नियरेस्ट टू 10 क्या होगा 1, ये 6 है यहाँ पर 6 है, मतलब कि ये आने वाले जो 10 डिजिट का है मतलब कि 90, यहाँ पर 90 रहेगा। और सपोज करिए 185 है, इसका क्या रहेगा नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ 190। सपोज करिए 184 है, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा 180, 180 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे समझा है सपोज करिए कि यहाँ पर समझाता है आपको 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 87, 88, 89, 194 है यहाँ पर है, कौन सा इसमें ज्यादा नजदीक है, ये 190, ये दूर है ज्यादा, ये नजदीक है। यहाँ पर 4 डिजिट ये पीछे है बस 1 2 3 4, और ये देखेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6, तो नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट 180 है, तो नियरेस्ट टू 10 कौन सा रहेगा इसमें 180 रहेगा। और यहाँ पर देखिए 186 है, 186 ये है, ये है इसका नियरेस्ट टू 10 कौन सा है, यहाँ पर पहले ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट 6 नंबर ऊपर होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 नंबर, तो नियरेस्ट टू 10 इसका कौन सा हो गया 186 का 190। तो ऐसे ही राउंड ऑफ करना है हमें, नियरेस्ट टू 10 दिया रहेगा। नाउ वी विल स्टडी राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, मतलब किसी नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कैसे करते हैं। सपोज करिए नंबर है 434, 534, तो इसको नियरेस्ट टू 100 कैसे करेंगे, तो पहले हमें इसमें देखना है कि ये वाला 10th वाला डिजिट ये 5 से कम है कि नहीं, ये 5 से कम है, 3 लेस देन 5, तो क्या करेंगे हम इसे, ये 5 एज इट इज उतारेंगे, इसे हम 0 कर देंगे, अगर 5 से कम ही है इसके आगे वाला भी 0 हो जाएगा, ये हो गया नियरेस्ट टू 100। अब सपोज करिए 549, इसको करना है नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100 कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 5 से कम है, सिंपल इसको भी लिख देंगे 50, ये भी 0 हो जाएगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पर अगर ये 5 दिया हुआ है 59, इसको कैसे करेंगे, ये 5 दिया हुआ है 5, यहाँ पर 9, अगर यहाँ 5 दिया हुआ है तो ये वाला डिजिट चेंज करेंगे जो 100 प्लस है, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा, इसका नियरेस्ट 100 क्या है 600। तो इधर सपोज कर यहाँ पर दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पर 836 ये ले लेते हैं, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, ये देखिए ये 5 से लेस है, 5 से लेस है 3, तो क्या हो जाएगा इसका 8 लिखेंगे यहाँ पर, इसका हो जाएगा 8 लिखेंगे अब यहाँ 0 फिर 0 देगा इसका नियरेस्ट टू 100। अब सपोज करते हैं लेते हैं 857, यहाँ पर ये तो नंबर लेते हैं 885, इसका राउंड ऑफ 200 क्या होगा नियरेस्ट 200, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो ये वाला नंबर आगे बढ़ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब 8 है तो 9 हो जाएगा, अगर यहाँ 7 रहता तो यहाँ 8 रहता, 9 होगा यहाँ पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ 885 है, इसका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 200, ये कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है या 5 से ग्रेटर है, ये 8 है 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर चेंज करेंगे 9, यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 900, इसका होगा राउंड ऑफ नियरेस्ट 200। फ्रेंड्स अब हम करने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000, राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000,
सपोज करिए कोई नंबर दिया हुआ है 8 2 5 9, आप कैसे करेंगे? नियरेस्ट 2000 हमें क्या देखना है, हमें ये वाला डिजिट देखना है। हंड्रेड प्लेस पे जो है यूनिट वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड हो गया, वंस टेंस हंड्रेड। हंड्रेड प्लेस वाले पर हमें नंबर देखना है, यहाँ पर कौन सा नंबर दिया हुआ है? टू दिया हुआ है, टू इज लेस देन फाइव, लेस देन फाइव है तो इसमें भी वही रूल होगा जो उसमें पढ़े थे, नियरेस्ट टू हंड्रेड वाले में हमने पढ़े थे। यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये फिर यहाँ पर ये सारा ये जीरो हो जाएगा, तीनों डिजिट जीरो हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर 8 5 9 6 ये नंबर दिया हुआ है नियरेस्ट टू थाउजेंड, तो नियरेस्ट टू थाउजेंड कैसे होगा राउंड ऑफ? इसका हम देखेंगे यहाँ फाइव दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है तो मतलब कि अगर फाइव इससे ज़्यादा रहेगा हंड्रेड के प्लेस पे, अगर नियरेस्ट टू थाउजेंड करेंगे तो फोर डिजिट का नंबर है, यहाँ फाइव है तो ये वाला नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है ये आगे बढ़ जाएगा एक नंबर, तो नाइन हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तीनों जीरो कर देंगे, 5 9 6 ये तीनों क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ समझा रहे आप, जीरो एट क्या हो जाएगा, ये नाइन कन्वर्ट हो जाएगा। सब उसके लिए एक और नंबर लेते हैं 2 3 0 5, इसमें देखेंगे हंड्रेड प्लेस पे क्या है, थ्री है, थ्री फाइव से छोटा होता तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये ही रहेगा मतलब तो टू ही रहेगा, और ये तीन क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। ये होगा राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड, इसका ये रहेगा। इसी तरह करना चलते हैं, करते हैं एक्सरसाइज, सॉल्व करते हैं, उससे हम प्रैक्टिस होगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे घर पर बैठ के तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।